आकांक्षा, एम आई ऑडिबल? यस यस सर, यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये एक्चुअली कॉमर्स की पाठशाला बीकॉम एमकॉम इग्नू आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट पे हम क्या करते हैं, राइट आपको सर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं, जो चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कोई चार्जेस जो है अलग से नहीं लिया जाता है। तो आपको क्या करना ओके है, सर, कॉमर्स ही पाठशाला डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, ये जो वेबसाइट है मैं लिंक भेज दूंगा, इसमें विजिट करना है। विजिट करने के बाद ड्रॉप डाउन करके आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे कोर्स का नाम दिखेगा। किशन जो आपको दिख बराबर। रहा है ना, ये सारा कोर्स का नाम है, बगल में यूट्यूब लेक्चर लिखा हुआ है, राइट। हाँ हाँ बराबर सर, जी, तो YouTube लेक्चर के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट YouTube पे पहुंच जाएंगे और MCO 1 का पूरा प्लेलिस्ट है आप वहां से देख पाएंगे। साथ ही साथ जो राइट एमसीओ सर, वन के बाद जो उसका नाम लिखा हुआ है, ये देखिए ब्लू कलर का है, ये ब्लू कलर के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट जो है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है निकल करके चला आता है यूनिट वाइज, ठीक है। इम्पॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन राइट सर, चैप्टर में जितने क्वेश्चंस हैं, 5-6 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर में तकरीबन जो इम्पोर्टेंट है, उन सबके आंसर्स हम लोगों ने वेबसाइट पे डाल दिए हैं। ये यूनिट 1 है, इसके बाद आप नीचे की तरफ जाएंगे, सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखेंगे यूनिट 1 के। उसके बाद जो है यूनिट 2 जो है उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। ये रहा, यहाँ से यूनिट 2 स्टार्ट हो गया। तो ये मेरे बताने के पीछे रीजन ये है कि कभी अगर क्लासेस नहीं हो रहे, जैसे कि हम लोग हफ्ते में 2 दिन क्लास करने वाले हैं, तो हाँ जब सर, क्लासेस नहीं होता है तो उस टाइम पे आप फ्री टाइम अगर आपके पास है, आप इत्मीनान से इस वाले वेबसाइट पे आइए और इत्मीनान से अपना स्टडी कीजिए, ठीक है। मैं राइट जो सर, क्लासेस कराऊंगा हाँ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो नोट्स में रेडी करूंगा उसके बेसिस पे होंगी। साथ ही साथ ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का, जिससे आप खुद से भी स्टडी कर सर, पाएंगे। आकांक्षा को ऑलरेडी ये बात पता है, मैंने पहले क्लास में बताया था आकांक्षा को, यस यस, तो ओके किशन को भी पता चल गया। तो यहीं से हम लोग अब चाहे तो क्लासेस भी कर सकते हैं। जैसे आज इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने निकाल के रखा है, बिजनेस एनवायरनमेंट का, MCO 4 का, वो अभी हम लोग जो है करने राइट, वाले हैं, ठीक है। MCO 4 बिजनेस यस एनवायरनमेंट, इसका PDF मैं शेयर कर दूंगा क्लास खत्म होने के बाद, यस, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। काफी बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट भी, एग्जाम में काफी बार जो ये क्वेश्चन आता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या यस होता है और इसका क्या महत्व है, इसका इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो इसी को स्टार्ट राइट करते हैं फिर। यस यस सर, ओके, तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो शब्द है ये 2 चीजों से बना है, एक तो है बिजनेस, दूसरा है एनवायरनमेंट। बिजनेस के बारे में आप लोगों को पता है कि बिजनेस का मतलब हो गया एक ऐसी एक्टिविटी जहां पे आप प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से चीजों को खरीदते या फिर बेचते हो। खरीदने बेचने का जो राइट काम होता है, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से अगर कोई काम किया जा रहा है तो उसको हम राइट बिजनेस कहेंगे, ठीक है। प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य होना चाहिए। अगर आप कोई एनजीओ चला रहे हो जहां पे आप बस सेल एंड परचेस कर रहे हो लेकिन प्रॉफिट कमाना आपका उद्देश्य नहीं है, आपको बस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो उस केस में वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, वो फिर एनजीओ हो जाएगा। जैसे कि एक बहुत ही फेमस राइट ब्रांड है, रोलेक्स का आपने नाम सुना होगा, जो घड़ी बनाती है, तो यस यस उनका क्या होता है, वो एनजीओ जो है पूरा का पूरा उनका चलता है, वो पूरा एनजीओ ही है, मतलब वो बिजनेस नहीं है। जो भी प्रॉफिट होता है वो लोग उसको वापस से कंपनी में इन्वेस्ट करके वापस से उसको आगे लेकर के जाते हैं, और उसका एक बहुत ही बड़ा सा चंक जो है वो लोग अपने एनजीओ में लगा देते हैं। तो उनका जो जो मोटिव है वो प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, नहीं है, तो वो बिजनेस उसको बोलना गलत हो जाएगा। तो बिजनेस के लिए राइट प्रॉफिट मोटिव का होना बहुत जरूरी है, कि आपका मोटिव है कि आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो। ये तो हो गया बिजनेस। दूसरा शब्द इसमें जो है वो है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के बारे में तो सभी को पता होगा, आई गेस आप दोनों को, कि हमारे आसपास के जितने भी यस सारी सर, चीजें हैं वो इन्वायरमेंट का हिस्सा हो गई। बिजनेस, एनवायरनमेंट, माहौल। जी, आसपास का जो माहौल है, जो भी चीजें हैं, जो हम लोग बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं, आसपास की जितनी भी चीजें हैं, जो भी दिख रहा है, वो सारी की सारी चीजें जो है हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है। यहाँ पर टॉपिक है एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट। जी बोलिए। राइट सर, राइट हेलो आकांक्षा, आप कुछ कह रही हैं? नो सर, कुछ नहीं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो आपका जो बिजनेस है उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जिसके कारण से बिजनेस को किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर पहुंचता है, या कोई किसी तरह का इम्पैक्ट जो है बिजनेस के ऊपर पड़ता है, उसको हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट बोलेंगे, ठीक है। आप एग्जाम में क्वेश्चन को यस बड़ा करने के लिए आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं,
जो दो शब्द से मिलकर के बिजनेस एनवायरनमेंट बना है दोनों को अलग अलग बता दीजिए, फिर दोनों को साथ में मिल करके बता दीजिए। इससे क्या होगा कि आंसर बड़ा हो जाएगा। एग्जाम बड़ा में हो जाएगा। क्वेश्चंस यस को अटेम्प्ट करना जरूरी है, साथ ही साथ क्वेश्चंस को थोड़ा बना बना करके लिखना भी जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि कोई इलेबोरेट इररिलेवेंट करते हैं। पॉइंट आपने लिख दिया, रिलेवेंट होना चाहिए, लेकिन आप वहां पे बना सकते हैं। ठीक है, राइट एकदम बुकिश हम लोग लिखेंगे तो उसके बेसिस में मार्क्स वगैरह जो है नहीं मिलेगा, दिक्कत हो जाएगा। तो बना के लिखना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि उससे आपकी समझ जो है वो टीचर्स को समझ में आएगा कि आप कितना समझे हैं। राइट ठीक है, सो बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। फिलहाल जो लेक्चर है उसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द एक्सटर्नल फैक्टर एंड कंडीशंस दैट इन्फ्लुएंस द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। ठीक है ना, बिजनेस यस एनवायरनमेंट में क्या यस हो जाएगा, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उसको कहा गया है, और कंडीशंस को कहा गया है जो कि बिजनेस के ऑपरेशंस को इन्फ्लुएंस करता है। इंटरनल फैक्टर्स तो उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि कोई चीज अगर इंटरनल होगा तो हम उस चीज के ऊपर चेंजेस कर सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे फैक्टर्स करेक्ट जो कि एक्सटर्नल हैं, बाहर से आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसके लिए फिर आपको जो है थोड़े बहुत अपने पॉलिसीज में चेंजेस करने पड़ेंगे। बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर बिजनेसेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो राइट अनकंट्रोलेबल चीज हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी एनवायरनमेंट होगा, जो भी रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको चेंजेस वगैरह करने होते हैं, वो बात की बात है, टॉपिक में मैं बताऊंगा उसके बारे में। नहीं तो उसमें जो है डिफरेंट जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं उसके बारे में बताया जाता है। पेस्टल, पेस्टल के बारे में आपने सुना होगा, काफी फेमस टॉपिक है। पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल, वॉट एवर यू कैन से। एस फॉर यस सोशियोलॉजिकल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, एल फॉर लीगल, और आखिर में ई का मतलब इकोलॉजिकल या इकोनॉमिकल, कोई भी एक आप ले सकते हैं। तो पेस्टल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है एग्जाम में पेस्टल नाम से ही क्वेश्चन आ जाए, वो मैं बाद में कराऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो बिजनेस क्या है, ये है, इट इनकम्पसेस वेरियस एलिमेंट्स सच एज कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कल्चरल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड मोर। यहीं पे देखो पेस्टल आपका मिल गया है ना। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या हो राइट जाएगा, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, ये एक्चुअली माइनर है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट की रेगुलेशंस मतलब पॉलिटिकल जो चीजें होती हैं है ना, इकोनॉमिक कंडीशंस, सोशल एंड राइट कल्चरल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड मोर, ये सारी चीजें जो हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो कि उसको एक तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज राइट डायनामिक एंड कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो बहुत डायनामिक होता है, गत्यात्मक होता है, चेंजेस उसमें जो है लगातार आते रहते हैं, और वो हमेशा इवॉल्व करता रहता है। विच मीन्स दैट द बिजनेस नीड टू अडैप्ट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज चेंजेस इन ऑर्डर टू थ्राइव। तो जो भी चेंजेस आप में, जो भी मैंने फैक्टर्स अभी बताए हैं, उसमें अगर किसी भी तरह का कोई चेंजेस आ रहा है, तो आपको अपने बिजनेस में भी उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ेंगे, ताकि आप अपने बिजनेस को थ्राइव कर पाए, बड़ा बना पाए, आगे की तरफ लेके जा पाए। उसके लिए बिजनेसेस को इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जो है चेंजेस लाना जरूरी है अपने पॉलिसीज में। नाउ अब हम राइट बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, कि क्या इसका महत्व है, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। बिजनेस को अपने एनवायरनमेंट को रीड करना, स्वॉट एनालिसिस करना, समझना कि उनका एनवायरनमेंट कैसा है, ये क्यों जरूरी है। तो पॉइंट के माध्यम से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। किसी भी एनवायरनमेंट में जब हम काम कर रहे होते हैं, किसी भी बिजनेस को जब हम चला रहे होते हैं, तो हमारे पास मेजर चीजें होती हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं और थ्रेट्स भी साथ में साथ होती हैं। एक आपका स्ट्रेंथ, स्वॉट स्वॉट एनालिसिस एक टॉपिक है। एफ फॉर स्ट्रेंथ होता है, डब्ल्यू फॉर वीकनेस होता है, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज होता है, और टी फॉर थ्रेट्स होता है। तो यहाँ पे ओ और टी के बारे में बोला गया है, एस डब्ल्यू के बारे में नहीं बोला गया, पर चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वॉट एनालिसिस भी एग्जाम में आ सकता है। अच्छा, नीचे में देखिए, यहाँ पे बोला भी है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, आप लोगों को दिख रहा होगा। यस सर, स्पोर्ट एनालिसिस, हाँ, और थॉट ऑफ तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्वॉट एनालिसिस के बारे में। ये एक्चुअली है ना कि बिजनेस जब भी यस कोई मार्केट में एक्सपेंड कर रही होती है, या फिर कोई बिजनेस अगर नया स्टार्ट भी हो रही है, तो वो अपने एनवायरनमेंट को ठीक तरीके से एनालाइज कर रही है। एनालाइज करेगी तो ही उनको पता चलेगा कि क्या क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या क्या उनकी वीकनेसेस हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उनके पास हैं, और क्या क्या थ्रेट्स हैं। ये सारी चीजें समझने के बाद ही वो लोग अपनी पॉलिसीज वगैरह रेडी करते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स में ये सारी चीजें आ जाएंगी।
द बिजनेस एनवायरमेंट प्रेजेंट्स यस बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स टू अ बिजनेस. बिजनेस एनवायरमेंट में अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, साथ ही साथ थ्रेट्स भी होती हैं. बाय एनालाइजिंग द एनवायरमेंट बिजनेसेस कैन आइडेंटिफाई पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज दैट कैन लेवरेज टू गेन अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. है ना, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा इसके बारे में. तो एक छोटा यस सा एग्जाम्पल लेते हैं कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को समझने के लिए, कि आप इंडिया का एग्जाम्पल ले लो. इंडिया में लेबर बहुत सस्ता है, आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में लेबर बहुत सस्ता है. इसी वजह से हम लोग अपने लेबर को बाहर एक्सपोर्ट कर पाते हैं. जब हम यूएस में या सऊदी अरेबिया बहुत जाते हैं, लोग यूएई जाते हैं, तो वहां पे लोगों को काम बहुत जल्दी मिल जाता है, और हम लोग वहां पे काम करते भी हैं. करते हम लोग वहां पे काम इसलिए हैं क्योंकि इंडिया में जो है हमें उतने पैसे नहीं मिल पाते जितना हमें बाहर मिलता है. और अगर आप यूएस के लोगों को सेम काम करने के लिए बोलेंगे जो इंडियन कर रहे हैं, तो उन वो जो लोग वो लोग जो है ज्यादा चार्ज करेंगे वहां के एम्प्लॉयर्स से हमारे मुकाबले. तो वो लोग बाहर के लोगों को ही प्रेफर करते हैं. तो हमारे पास चूंकि लेबर सस्ता है, तो हमारे पास एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है कि हम किसी भी चीज को कम प्राइस में तैयार कर सकते हैं. प्रोडक्ट या सर प्रोडक्ट को रेडी कर सकते हाँ. हैं। बड़े बड़े कंपनी एक ऐसे ही ब्रांचेस खोलते हैं ना सर इंडिया में, यस जैसे यस इंटरनेशनल इसीलिए खोलती कंपनी है हैं सर क्योंकि ब्रांच, ताकि लेबर सस्ते यस मिले उनको. हाँ उनका लेबर जो है बहुत ही सस्ता पड़ता है, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा हो जाता है क्योंकि लेबर कॉस्ट है ही नहीं. जो ही जो भी है उनका कैपिटल जो लग रहा है, क्या कहते हैं उसको, आपने ये पढ़ा होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन यस सर, लैंड एंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, सर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन. कॉस्ट ना, यस हाँ, सर, तो वो काफी कम पड़ जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट काफी कम पड़ता है बिकॉज लेबर जो है वो काफी सस्ता है. एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे कि चाइना, नहीं चाइना नहीं, जर्मनी का एग्जांपल ले लेते हैं और यूएई का एग्जांपल ले लेते हैं. जर्मनी के पास जो है ना सर तेल का कुआं नहीं है, लेकिन जर्मनी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो है बाइक्स एंड कार्स जो होती है वो जर्मनी में बनाता है. पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कार वगैरह जितने भी हम लोग ब्रांड के नाम सुने हैं, फोक्स वैगन हो गया सबसे बड़ा ब्रांड, तो वही है फोक्स वैगन. उसके अंडर में फिर आपका ऑडी वगैरह है, लेम्बोर्गिनी है, सब फोक्स वैगन का ही ब्रांड है आप बोल सकते हो. तो ये सारी कंपनी जो है, मेजर जो कंपनीज है, वो सारी की सारी आपकी जर्मनी की हैं. तो वो उनका ध्यान जो है सिर्फ कार के प्रोडक्शन में है. और ऑयल का प्रोडक्शन कौन कर रहा है? सऊदी अरेबिया कर रहा है. तो सऊदी अरेबिया सपोज अगर वो कार के मार्केट में घुसे, अगर वो सोचे कि नहीं मैं कार बनाऊंगा, और जर्मनी अगर ये सोचे कि मैं तेल निकालूंगा अपने कंट्री में से, तो वो तो उल्टा उलट पड़ जाएगा क्योंकि वो लोग उस यस चीज में अच्छे नहीं है. वो लोग कार्स बनाने में अच्छे हैं, उनके पास तेल का कुआं भी नहीं है, लेकिन तेल का कुआं इसके पास है, सऊदी अरेबिया के पास है या फिर यूएई के सऊदी पास अरेबिया है. के पास तो ये लोग अगर कार बनाने लगेंगे तो फिर उनका खर्च ज्यादा पड़ने लगेगा. तो ये लोग क्या करते हैं, यहीं पे कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का जो है खेल समझ में आता है कि हम जो है मेरा जिस चीज में मैं जिस चीज में अच्छा हूं, मैं उस चीज के ऊपर मेहनत करूंगा, बाकी चीजें कहीं और से हम लोग इम्पोर्ट कर लेंगे. अगर इंडिया कोई कार को इंडिया में बना रहा है तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आएगी क्योंकि इंडिया में हो सकता है कि वो मटेरियल्स अवेलेबल ना हो जो वो कार को बनाने में खर्च होने वाला है, यूज होने वाला है. बाहर से वो इंडिया मंगा लेगा वो सामान को, तो हो सकता है 30 लाख में आ जाए, लेकिन अगर उसी कार को इंडिया अपने कंट्री में बनाता है, तो हो सकता है कि उस कार की कीमत 35 40 45 कुछ भी, मतलब ज्यादा आ जाए. तो उस केस में हमारे लिए तो फायदा यही है कि हम बाहर से मंगवा लें. तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का जी मतलब सर, यही है कि जो एडवांटेज है, एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है, वो आपको उसी चीज में मिल रहा है कि आप बाहर से मंगवा लें रादर देन कि आप खुद से उसको प्रोड्यूस करें. ठीक ना, तो ये एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हो जाता है. तो किसी भी बिजनेसेस को ये समझना कि उनके पास किस चीज का एडवांटेज ज्यादा है, वो बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है. दे कैन ऑल्सो एंटिसिपेट थ्रेट्स एंड टेक प्रोएक्टिव मेजर्स टू मिटिगेट देम, मिनिमाइजिंग रिस्क टू द बिजनेसेस. ठीक है, साथ ही साथ वो लोग अपने थ्रेट्स को भी एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं. बिजनेस अगर चला रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ आपको थ्रेट्स भी मिलेंगी. हो सकता है कि आपके जो कॉम्पिटिटर कंपनी है उसके पास ज्यादा ज्यादा अच्छी सर्विसेज वो लोग दे रहे हो, डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं कोई भी. तो सबसे बड़ा थ्रेट तो जो कॉम्पिटिशन होता है जिस कंपनी के साथ वही होता है. तो जो भी आपके लिए थ्रेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको जो है प्रोएक्टिव मेजर्स लेने हैं. ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम अराइज हो तो ही हम कुछ डिसीजन लेंगे या उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. पहले से तैयार रहना होगा, प्रोएक्टिव मेजर लेकर के रखना होगा, ताकि अगर वैसा कुछ
निकल करके आता है तो हम उस चीज को टैकल कर सके। ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट में, प्लानिंग ही चाहिए होती है पहले, उसके बाद जाकर के जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में यहाँ बोला गया है। सो अ थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज क्रूशियल फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। एक थ्रू अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिजनेस एनवायरनमेंट की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए। इट हेल्प्स बिजनेसेस आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स स्वॉट एनालिसिस व्हिच फॉर्म्स द बेसिस फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज। बाय अलाइनिंग देयर स्ट्रेटेजीज विद द बिजनेस एनवायरनमेंट कंपनीज कैन एनहांस देयर चांसेस ऑफ सक्सेस। स्वॉट एनालिसिस में ना प्रॉपर जो है लिखा जाता है कि हमारा स्ट्रेंथ ये है, वीकनेस ये है, अपॉर्चुनिटीज ये है, थ्रेट्स ये है, और उसके बेसिस पे जो है कंपनीज वगैरह जो है पॉलिसीज अपनी तैयार करती है कि किस तरीके से उनको जो है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो राइट स्ट्रेटेजिक सर, प्लानिंग में यही है, स्वॉट एनालिसिस ही है। कहाँ मेरी वीकनेस है, कहाँ मैं अच्छा हूँ, हाँ, किस तरीके से हमको आगे लेके जाने का जहां जहां भी मेरा वीकनेस होगा मैं उसको और बेहतर करने की कोशिश करूंगा बाय टेकिंग मेजर्स, जो भी आपको उस टाइम पे समझ में आएगा। प्रॉब्लम तो बहुत यस सर। तरह की निकल करके आती है, आपको डिसीजन भी उसके अकॉर्डिंग ही हाँ लेना पड़ेगा। राइट सर, नाउ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, यहाँ पे एक अलग से पॉइंट भी दिया गया है। सो द बिजनेस एनवायरनमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द कॉम्पिटेटिवनेस ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस के कॉम्पिटेटिवनेस को समझने के लिए बाय मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स। यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं वो लोग, कॉम्पिटिटर्स के एक्टिविटीज को वो लोग एनालाइज कर रहे हैं। बिजनेस कैन आइडेंटिफाई एनालाइज देयर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, जिसको यूएसपी बोलते हैं। किसी भी या यूनिक प्रोडक्ट का पर्सन, अपना यूएसपी होता है, यूनिक तो वही सेलिंग यूएसपी पॉइंट की, यस, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस एंड डिफरेंशिएट देमसेल्व्स इन द मार्केट। किसी भी प्रोडक्ट, अब सपोज दो कंपनी है, दोनों सेम प्रोडक्ट बेच रही हैं, लेकिन कोई एक कंपनी का प्रोडक्ट ही मार्केट में ज्यादा चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि किसी एक प्रोडक्ट का जो यूएसपी है वो ज्यादा अच्छा है, जो उसका सेलिंग पॉइंट है, जिस मतलब कोई एक ऐसा यूनिक फीचर उस चीज में है जिसके कारण से लोग उस वाले प्रोडक्ट को ले रहे हैं रादर देन कि दूसरे वाले प्रोडक्ट को। तो जो यूएसपी होता है वो अपना यूएसपी समझना जरूरी है और उसके बेसिस पे खुद को मार्केट करना जरूरी है कि देखो वो उसके पास जो प्रोडक्ट है हमारे पास भी सेम प्रोडक्ट है, बट वी आर बेटर बिकॉज वी हैव सम इम्पोर्टेंट राइट फीचर्स लाइक दिस एंड दैट। तो वो चीज जो है यहाँ पे करना है, करते हैं ये लोग। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड मार्केट ट्रेंड्स विद इन द बिजनेस एनवायरमेंट अलाउज कंपनीज टू टेलर देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, जब आप कस्टमर के प्रेफरेंस को ठीक तरीके से समझेंगे और मार्केट के ट्रेंड को ठीक तरीके से समझेंगे तो आप एक तरीके से अपने प्रोडक्ट को टेलर कर सकते हैं, मतलब काट छांट करके उसको बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पे काटना छाटना मतलब वो टेलर वाला सच में काम नहीं है, काटना छाटना नहीं मतलब नहीं समझ उसके गया, रिमूव उसके एंड एड। हाँ मतलब जो भी उसमें चीजें बेहतर की जा सकती हैं आप उसको बेहतर कर सकते हैं, जो चीजें खराब है आप उसको निकाल सकते हैं किसी उसको प्रोडक्ट हटा में से। ठीक निकाल, है ना, तो उस तरीके राइट से यहाँ पे बोला जा रहा है, टेलर प्रोडक्ट राइट सर्विसेज मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू गेन अ कॉम्पिटेटिव एज। यस फोर्थ पॉइंट इज रिस्क मैनेजमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट यस को बिना एनालाइज किए रिस्क को हम लोग मैनेज नहीं कर सकते, स्वॉट एनालिसिस बिना किए रिस्क मैनेज नहीं हो सकता, वही चीज है। चौथा जो यस पॉइंट है सर, हमारा, रिस्क मैनेजमेंट में बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत हेल्प करता है। सो द बिजनेस एनवायरनमेंट जी इज राइफ विथ रिस्क। यहाँ आई थिंक कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, खैर कोई नहीं। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज राइफ विथ रिस्क इंक्लूडिंग इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, रेगुलेटरी चेंजेस। अब ये वो सारी चीजें हैं जो चेंजेस जो है मार्केट में आती हैं, बिजनेसेस में जो है हमें देखने को मिलती है और उसके अकॉर्डिंग जो है हमें डिसीजन वगैरह लेना होता है। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन किसी तरह का आ गया, जैसे अभी इंडिया का जो इकोनॉमी है वो काफी मतलब थोड़ा सा महंगा होता जा रहा है, धीरे धीरे चीजें महंगी होती जा रही हैं, तो उसके वजह से जो है लोगों के सर, पॉकेट पर असर पड़ता है। पॉकेट पर असर पड़ेगा तो हो सकता है वो प्रोडक्ट को खरीदना कम कर दें या बंद कर दें, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इकोनॉमिक में अगर किसी राइट तरह का फ्लक्चुएशन होता है तो वो एक फैक्टर है। रेगुलेटरी चेंजेस, जैसे गवर्नमेंट ने कुछ अगर रूल बना दिया ऐसा कि आप इस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, आप ऐसे किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं जो कि थोड़ा सा सही नहीं है, तो उस केस में गवर्नमेंट कई बार क्या होता है कि बैन लगा देती है या फिर रोक लगा देती है कि इससे ज्यादा आप जो कोटा सेलिंग जो होता है कि आप इससे ज्यादा सेल हाँ नहीं कर जैसे सकते हो, तो उस तरह की चीजें जो है सर, गवर्नमेंट। जैसे वीट वीट हाँ वगैरह का होता है, वीट ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, हमारे देश में कम पड़ रहा है, तो इस तरह यस से। यस यस वो सारी चीजें हैं। तो जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस जो हैं वो चेंजेस होती हैं, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके हिसाब से आपको अपने बिजनेसेस को जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करना रहता है। टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस, ये तो बहुत ही कॉमन हो गया है। अभी फोन के मार्केट में देखें तो फोन तो बहुत ही मतलब
सही एग्जाम्पल होगा, आज कुछ और फोन चल रहा है, अगले साल कोई और उससे बेहतर फोन आ जा रहा है, तो मार्केट को वो डिसरप्ट कर दे रहा है टेक्नोलॉजिकल। राइट और यस प्रोडक्ट में भी बहुत सारे प्रोडक्ट पहले के जमाने में, जैसे क्या बोलूं, टीवी का एग्जाम्पल ले लो, पहले तो बल्कि टीवी आता था, अभी तो दीवार में लटक जाता है टीवी। लैपटॉप भी राइट हमारे राइट हाथ यस छोटा हो गया है पूरा। तो जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रही हैं, उसके वजह से भी जो है मार्केट में डिसरप्शंस होता है। तो उसको समझने के लिए, उसको उसको उसके साथ उसको टैकल करने के लिए आपको जो है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए जरूरी है कि आप इन सब चीजों के बारे में आपके पास जानकारी रहे, और इसके इसको यू नो टैकल करने के लिए आप उसके अकॉर्डिंग जो है आप डिसीजंस वगैरह ले पाए, जो भी आपको लेना है। राइट बाई स्टेइंग अट्यून्ड टू द बिजनेस टू द एनवायरमेंट, बिजनेसेस कैन एंटिसिपेट एंड मैनेज दीज रिस्क इफेक्टिवली। ठीक है ना, तो इस तरह से अट्यून मतलब यस हो गया कि यू नो थोड़ा सा अपडेटेड रहना, थोड़ा सा अलर्ट रहना पहले से। अगर आप उस चीज को लेकर के थोड़े से अलर्ट रहेंगे, तो जो भी बिजनेसेस हैं, जो भी आप मतलब आप अपने बिजनेसेस को ठीक तरीके से एंटिसिपेट कर पाएंगे, और जो हंड्रेड भी रिस्क अराइज हो सकते हैं इन फ्यूचर, जो पोटेंशियल रिस्क है, आप उसको ठीक तरीके यस से इफेक्टिवली टैकल कर पाएंगे। ठीक है, दे कैन अडैप्ट देयर यस ऑपरेशंस, डाइवर्सिफाई देयर ऑफरिंग्स, और एक्सप्लोर न्यू मार्केट्स टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्स इवेंट्स। ठीक है, यहाँ पे देखो सॉल्यूशंस भी बता दिया गया कि अगर इस तरह का कोई सिचुएशन होता है तो वो लोग क्या कर सकते हैं। वो लोग अपने ऑफरिंग्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जो चीजें वो लोग ऑफर कर रहे हैं, प्रोडक्ट वो लोग ऑफर कर रहे हैं, उसको उन लोगों ने डाइवर्सिफाई कर दिया। ठीक है, या कोई नया मार्केट में चले गए, जैसे दिल्ली का मार्केट अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड हो गया, बहुत सारे वहां पे कंपनीज हैं, अब आपको ऐसा लग रहा राइट है कि वहां पे जो है आपके पास जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो किसी नए प्रोडक्ट के साथ कम्पीट नहीं कर पाएगा, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपने प्रोडक्ट को किसी ऐसे मार्केट में लॉन्च करना चाहिए जहां पे उस तरह का प्रोडक्ट जो है नहीं चलता है। आप दिल्ली से निकल करके सपोज आगरा आ गए, या नोएडा तो काफी यू नो डेवलप्ड हो गया, मतलब ऐसे किसी अंडर यस डेवलप्ड इलाके में आप चले गए जहां पे उस प्रोडक्ट की डिमांड हो सकता है कि ज्यादा हो, तो आप अपने मार्केट को थोड़ा ज्यादा एक्सपैंड भी है कर ले रहे हैं साथ ही साथ। यस, तो इस तरह के मेजर्स लिए जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह के एडवर्स इवेंट्स के लिए। फिफ्थ नंबर पॉइंट है इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी, काफी इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन होते रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन इनोवेशन बंद हो जाएगा, बिजनेस भी बंद हो जाएगा। बिजनेसेस को लगातार चलने के लिए अपने में इवॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, तो इनोवेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और अडेप्टेशन भी बहुत जरूरी है। पहले के जमाने में आपको पता होगा कि सारी चीजें जो है वो फिजिकल होती थी, अभी सारी चीजें डिजिटल हो गई हैं। अब कोई बंदा अगर रिजिड होकर के बैठा हुआ है कि उसको डिजिटल नहीं जाना है, जैसे अभी ऑनलाइन पेमेंट का जमाना आ गया, कोई कैश लेकर के घूम रहा है, तो कैश लेकर के घूमना अभी के टाइम में तो मतलब बहुत ही क्या बोलेंगे, कोई ऐसा नहीं करता। मैं तो एकदम ही बंद कर चुका हूँ, कैश तो मेरे पास रहता ही नहीं है, सारा का सारा मेरा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होता है। खैर, तो आप जो है जो भी चेंजेस आ रही हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट भी करना पड़ेगा, नहीं तो आप स्लो पड़ जाओगे। अभी के टाइम पे ऑनलाइन यस पेमेंट तुरंत हो जाता है, कैश अगर आपके पास नहीं होगा, आप जाओगे एटीएम से निकालोगे, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा उस चीज में, है ना। लेकिन यस सर, बिजनेसेस फिर के उस चीज प्लेस में पे बहुत जाकर तब सीधे पेड करना है। क्या क्या सर कह रहे कैश में थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, निकाल कर उस जगह पे जाकर तब वहां पे पेड करना होता है, और ऐसे ऑनलाइन कैश हम लोग कहीं से भी कर सकते, ऑनलाइन पेमेंट। यस। तो बिजनेसेस के लिए आसान हो गया है, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी आएगा बिजनेस के लिए वर्क करना उतना आसान हो जाएगा। लोगों को सर्विसेज भी जो है बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि अभी सारी चीजें जो है, अब देखो ये जो मैंने अपलोड किया अपने वेबसाइट में, ये एक्चुअली फिजिकल फॉर्म में कहीं अवेलेबल नहीं है, ये मैं करा भी नहीं पाऊंगा। तो ये ऑनलाइन चूंकि हो गया है, तो कोई टेंशन नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट इत्मीनान से आकर के वेबसाइट में आराम से स्टडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही चीज अगर मुझे फिजिकल फॉर्म में सब तक पहुंचा नहीं रहे, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट, खर्च भी लगेगा उसमें फिर, तो वो एक है। तो बिजनेस में चीजों को अडेप्ट करना, इनोवेशन को लेकर के आना बहुत जरूरी है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और बिजनेस एनवायरमेंट में ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। तो द बिजनेस एनवायरमेंट इज अ सोर्स ऑफ इनोवेशन एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, चेंजिंग कस्टमर्स नीड्स एंड मार्केट ट्रेंड्स कैन इंस्पायर बिजनेसेस टू इनोवेट एंड डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड प्रोसेस, है ना। यहाँ पे बोला गया है जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जो कस्टमर के नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट में चेंजेस वगैरह हो रहे हैं, उसमें इनोवेशन वगैरह हो रहे हैं, प्रोडक्ट को और बेहतर बनाया जा रहा है ताकि लोगों के लिए और ज्यादा वो आसान हो जाए, कि यूटिलिटी जो है और ज्यादा यू नो यूटिलाइज कर पाए चीजों को और बेहतर तरीके से। बाई मॉनिटरिंग द एनवायरमेंट कंपनीज कैन आइडेंटिफाई इमर्जिंग ट्रेंड्स, यू नो एनवायरमेंट को मॉनिटर अगर वो लोग करेंगे, तो जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं
उनको वो लोग समझ पाएंगे, अडैप्ट देयर ऑपरेशंस अकॉर्डिंगली, अपने ऑपरेशंस को उसके अकॉर्डिंग अडैप्ट कर पाएंगे, इंश्योरिंग देयर रेलेवेंस एंड कॉम्पिटिटिवनेस इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, इनोवेशन एंड अडैप्टेबिलिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सिक्स नंबर पॉइंट विच इज गवर्नमेंट एंड लीगल फैक्टर्स। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। द बिजनेस यस एनवायरमेंट यस इज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेशंस एंड लीगल फ्रेमवर्क। कोई भी बिजनेस जो है उसको गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर में रह करके ही काम करना है, ठीक है ना। वही बात यहाँ पे बोली गई है कि जो बिजनेस एनवायरमेंट होता है वो हेविली इन्फ्लुएंस्ड होता है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज, उसके रेगुलेशंस और उसके लीगल फ्रेमवर्क जो भी है उसके अकॉर्डिंग उनको चलना होता है। अंडरस्टैंडिंग राइट दीज फैक्टर्स इज एसेंशियल फॉर कंप्लायंस एंड अवॉइडिंग लीगल इश्यूज, है ना। अगर आप इन चीजों को समझेंगे नहीं, बिजनेस को ऐसे ही आप चला रहे हैं, एक बार आकर के तो आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा या आपने डिटेल्स को रिवील करना होगा गवर्नमेंट के सामने, और अगर आप कुछ इलीगल करते हुए पाए गए तो आपका बिजनेस बंद हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती हैं। तो उनको यस उनको कंप्लाई करने के लिए, जो भी उनके लीगल फ्रेमवर्क है उनको कंप्लाई करने के लिए आपको जरूरी है कि आप इन सारी चीजों को समझें, और जो भी गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आपके बिजनेस के लिए वो आपको समझना जरूरी है, ताकि आप किसी लीगल लफड़े में जो है आप ना फंसो। तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट एक चीज हो जाती है। बिजनेस नीड टू स्टे अपडेटेड विद चेंजेस इन टैक्स लॉस। ये देखो यहाँ पे बोला जा रहा है, बिजनेसेस को अपडेटेड रहना पड़ेगा कि टैक्स में किस तरह के चेंजेस हो रही हैं, एनवायरनमेंट में किस तरह के चेंजेस हो रही हैं, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, लेबर लॉस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड अदर लीगल कंसिडरेशंस दैट इम्पैक्ट देयर ऑपरेशंस। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, ठीक है। तो राइट उतना सर, हमारे पास तो टाइम नहीं हो पाता कि हम सारी चीजें रीड करें, करने से तो अच्छा ही होगा, बट इन सब में चेंजेस होता है। कुछ कुछ चीजें जो है वो एकदम स्टैटिक है, उसमें बदलाव नहीं होते हैं, जैसे डेफिनेशन वगैरह जो हो गया आईपीआर का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, तो या फिर लेबर लॉस का, जो बेसिक है वो बेसिक है, लेकिन इसमें एडिशंस होते रहते हैं हर साल कुछ ना कुछ। राइट जैसे अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि इंडिया में वो चीज भी लॉन्च हो रही है जहां पे कहा जा रहा है कि हफ्ते में सिर्फ 4 दिन आपको करना काम करना है, 3 दिन छुट्टी होगी, लेकिन वो चार यस दिन जो है सर, वो 12 12 घंटे का होगा। 12 घंटे होगा राइट। तो वो जो है इम्प्लीमेंट होने वाला है, धीरे धीरे करके हो भी जाएगा। अभी ने आपने अभी एनपीआर का भी एनपीई का भी नाम सुना होगा। नहीं एनपीई नहीं, क्या कहते हैं, एनईपी, सॉरी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी, एनपीई कह रहा हूं मैं, पॉलिसी यस सर, एनईपी। तो यस उसमें भी सर, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, है ना। तो उसके बारे में भी जो है, अब जो लोग एजुकेशन सेक्टर में है, ठीक है ना, जो लोग एजुकेशन में जो है उनको इन सब चीजों के बारे में फिर पता होना चाहिए। अगर वो लोग उस चीज के बारे में जानकारी नहीं होगी तो वो लोग पीछे रह जाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस फील्ड में है उस चीज के बारे में आपको पता हो। बिजनेसेस के लिए टैक्स लॉस के बारे में पता होना, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के बारे में पता होना, लेबर लॉस के बारे में पता होना काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि डायनेमिक है, हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए पता आपको होना ही पड़ेगा, ठीक है। कंक्लूड राइट करते हैं इसको फिर अब। सो इन द कंक्लूजन, बिजनेस सर, एनवायरमेंट इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कैन शेप अ कंपनीज परफॉर्मेंस एंड सक्सेस, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है वैल्यूएबल इनसाइट। बिजनेस एनवायरमेंट को जब हम लोग एनालाइज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट्स आपको प्रोवाइड करता है कि आपको अपने बिजनेस को कैसे रन करना है, किस तरीके से आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो पाएगा और आप सक्सेस हो पाओगे अपने काम में, जो भी आपकी गोल्स हैं आप उसको कैसे अचीव कर पाओगे। बाई अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, डेवलप इफेक्टिव स्ट्रेटजीज, सीज अपॉर्चुनिटीज, मैनेज रिस्क एंड रिमेन कॉम्पिटिटिव इन अ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग मार्केट प्लेस। तो ये सारी चीजें जो है आप कर सकते हैं अगर आप बिजनेस एनवायरमेंट को ठीक तरीके से समझेंगे, उसको अगर आप एनालाइज करेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फर्स्ट टॉपिक था, आप चाहें तो इसको वापस से रीड कर लीजिएगा, मैं लिंक भेज दूंगा, और इसके नीचे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको टाइम मिले तो आप इसको पढ़िए। नेक्स्ट क्लास जो है वो सैटरडे को होगा, और सैटरडे को सुबह में करते हैं एक क्लास शाम में करते हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों हो रहा है, तो हम लोग एक सुबह में करते हैं एक शाम में करते हैं, ठीक है। संडे को भी सेम करते हैं, अगर किसी कारण से कोई क्लास मिस होता है तो उसको हम लोग किसी और दिन पोस्टपोन कर लेंगे, ओके सर, नो प्रॉब्लम सर, ठीक आप है। इन्फॉर्म कर देना पहले। हाँ यस हाँ वो मैं कर दूंगा, ठीक है राइट राइट आकांक्षा। तो सैटरडे सुबह 8 बजे, ओके ओके सर, ओके सर देन। सैटरडे सुबह 8 बजे, हाँ सुबह 8, 8 और शाम में भी 8। सर लेट्स डिस्कस ऑन फ्राइडे, क्या 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 सर कह रहे डिस्कस ऑन सैटरडे फ्राइडे, को, वी विल डिस्कस।
ट्राई भी वो डिस्कस कर किप सकते हैं। आकांक्षा आप क्या कह रही हैं क्या बताइए। सर, जैसे मैं कह रही थी ना कि मेरा मॉर्निंग में 8 बजे का क्लास होता है, ठीक है, तो सर सैटरडे को सर 8 o'clock मतलब कोई इवनिंग और टाइमिंग नहीं हो सकता है सर? मतलब सर मतलब 11-10 बजे के बाद कभी भी, 11 बजे 12 बजे कभी भी सर सैटरडे को? नहीं, 10-11 बजे के बाद तो मैं बिजी रहूंगा, बट कोई नहीं, हम लोग व्हाट्सएप में बात कर लेंगे, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सैटरडे को एट शाम में तो ओ'क्लॉक 8 बजे फिर कर रहे हैं, सैटरडे का क्लास जो मॉर्निंग में होने यस वाला सर, है यस उसको हम लोग शाम में किसी दिन कर लेते हैं तब। सर, यस यस ठीक है सर, ठीक है, हम लोग व्हाट्सएप पे यस डिस्कस सर, करते हैं इस बारे में। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, ओके देन, या थैंक यू सर, बाय, थैंक गुड नाइट, गुड यू, नाइट। गुड नाइट। बाय।